कि कुछ पूछना हो तो बाद में पूछेगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगी कि जो दंगल मूवी आप लोगों ने देखी है वो 99% हमारी रियल स्टोरी है। मतलब 1-2% इसके अंदर डायलॉग या थोड़ा सा, क्योंकि मूवी है तो थोड़ा मसाला डालना पड़ेगा, बट जितनी भी है पूरी हमारी लाइफ के इर्द गिर्द है। चाहे वो हम बहनों का लाड प्यार हो, चाहे हम बहनों ने जैसे कैंप अटेंड किया हो, चाहे वो हमारी ट्रेनिंग को लेकर हो, चाहे माता पिता के साथ हमारे नोक जोक हो, या फिर कमेंट हो, या फिर बाल कटवाना हो। सबसे बड़ा तो यही पॉइंट था, बाल कटवाना, क्योंकि हर लड़की खूबसूरत दिखना चाहती है। लेकिन मेरे पापा ऐसे थे कि वो हमेशा हम, क्योंकि हम छोटे थे तब से ही हमारे, जब मुझे याद है कि मैं 9th क्लास तक बिल्कुल, मतलब टकली जिसको बोलते हैं, टकली थी। और उसके बाद मेरे ये सबसे लंबे लगा लो कि बाल आज तक बढ़े हैं बिल्कुल। और बालों की मैं कहानी मैं बताऊं कि एक बार जब मैं छोटी थी तो मेरे से घर के परिवार के किसी ने पूछ लिया कि तेरा सबसे बड़ा शौक क्या है, तो मैंने कहा कुश्ती के अलावा सबसे पहला तो मेरा शौक जो है वो पहला प्यार और मेरा शौक कुश्ती है, लेकिन उसके बाद अगर कोई पूछता है तो मेरे बाल बढ़ाना है। तो मतलब हंसने लगे कि बाल बढ़ाने का भी कोई शौक हुआ। मैंने कहा कि मेरे पापा बढ़ाने नहीं देते, तो इसलिए मेरा सबसे बड़ा शौक है कि बाल बढ़ाना। लेकिन मेरे पापा कहते थे कि पहले आपका शौक कुश्ती होना चाहिए, जो चीज आपका लक्ष्य है वो होना चाहिए, उसके बाद आपका कोई भी शौक, जब आपका रेसलिंग के अंदर करियर बन जाएगा, आप एक अच्छे सब कुछ अचीव कर लेंगे और आप एक पड़ाव पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप जितने भी शौक है, बाल बढ़ाना है, सजना संवरना है, सब कुछ पूरा कर लेगा। तो उस टाइम छोटे थे समझ में नहीं आता था, लेकिन आज जब बड़े हुए तो समझ में आया कि पापा जो कहते थे वो ठीक कहते थे। अक्सर माँ बाप बहुत सी चीजें हमें बताते हैं कि बेटा ये मत करना, ये बाद में आप लोगों को समझ में आएगी, लेकिन उस टाइम हमें समझ में नहीं आती जब माँ बाप कहते हैं छोटे बच्चों को, लेकिन जब बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि माँ बाप जो बोलते हैं वो ठीक बोलते थे। तो इसलिए मैं कहूंगी कि कोई भी लड़की अगर कुछ बनना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है लाइफ के अंदर, तो हर पेरेंट्स का उनके पीछे हाथ होना चाहिए। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि हर मर्द के पीछे, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं कहूंगी कि हर कामयाब बच्चे के पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है, क्योंकि हमारी कामयाबी के पीछे हमारे माँ बाप का हाथ है। जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी तो लोगों के ताने बाने भी थे, और हम उस पुरुष प्रधान समाज के अंदर रहते थे जहां पर लड़कियों को एक तुल्य तोके तक सीमित रखते थे, महिलाओं को घूंघट तक सीमित रखते थे। हम उस समाज का हिस्सा है, और वहां से निकलना मतलब ये लगा लो कि कोई सोच भी नहीं सकता। अगर मेरे माँ बाप ने हमें मौका नहीं दिया होता तो आज हम भी यहाँ पे नहीं होते। तो मैं हर पेरेंट्स को कहूंगी कि अपनी लड़कियों को मौका जरूर दे। अगर आप उनको मौका देंगे तो उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो भी हमारी तरह बन के दिखा सकती है। बस एक मौके की तलाश है और माँ बाप का सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन एक चीज और मैं बताऊंगी कि उस टाइम एक बार का मुझे किस्सा याद है कि हम दंगल खेलने के लिए गए थे। जब रेसलिंग स्टार्ट की थी 1-2 साल के बाद हम दंगल खेलने गए, राजस्थान के किसी गांव में हम दंगल खेलने गए थे, और मेरे भाई जो थे वो भी हमारे साथ गए थे। तो हमने जो आयोजन जो करवा रहे थे उनसे कहा कि हमारी कुश्ती करवाई, क्योंकि लड़कियां तो थी नहीं उस टाइम पे दंगल करने के लिए। तो उन्होंने कहा आप और लड़की, मतलब ऐसे हैरान होके कि लड़कियां कुश्ती करती। मैंने कहा हाँ, हमें कुश्ती लड़नी है और दंगल खेलना है। तो उन्होंने कहा कि किस ग्रंथ में लिखा कि लड़कियां कुश्ती करती हैं। तो वो क्वेश्चन मतलब हमें खुद शॉक कर गया, तो हमने उसको वापिस से उनसे एक क्वेश्चन कर लिया कि कौन से ग्रंथ में लिखा कि लड़कियां कुश्ती नहीं कर सकती। तो वो खुद भी हैरान हो गए, उनके पास भी जवाब नहीं था। तो हमने कहा कि हमें कुश्ती लड़नी, वो लड़कियां तो यहाँ पे है नहीं, हमने कहा लड़कों से करवा दी।
देख रहे होंगे तो वो भी हैरान होंगे कि आज ये वही लड़कियां जिनको हमने दंगल खेलने से मना किया था, उन्होंने दंगल लड़ने नहीं दिया जबकि मेरे भाई और लड़के आए। तो हमें वहां पे बड़े मायूस होके वापिस आना पड़ा कि आज तो नहीं कल फिर देखेंगे। लेकिन हमें साबित करना है अपने आप को कि लड़कियां भी दंगल कर सकती हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से हमने वो साबित भी करके दिखाया है। लेकिन सभी महिलाओं से एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि लाइफ के अंदर अगर आपने कोई निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर पीछे मुड़के मत देखना। लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, किसी की नहीं सुनना। बस अपनी आंखें, अपनी नजर जो है वो अर्जुन की तरह होनी चाहिए अपने लक्ष्य के ऊपर। जब आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे तो जो लोग आपको ताना दे रहे हैं, जो लोग आपके पीछे बड़बड़ा रहे हैं, एक दिन वही लोग आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन साथ वो तभी खड़े होंगे जब हम अपनी मंजिल को पालेंगे। तो जब तक हम अपनी मंजिल को नहीं पा लेते तब तक हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है और रुकना ही नहीं है। तो मेरा यही सभी महिलाओं से है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं समाज की लोगों के ताने बाने से सुनकर वो कहीं ना कहीं कदम पीछे हटा लेती हैं। और ये चीज हमने देखी है, क्योंकि जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी हमारे साथ मेरे गांव की 4-5 लड़कियों ने भी की थी, लेकिन समाज के दबाव के कारण, समाज के तानों बानों के कारण, लोगों के कमेंट जो सुनते थे उनके कमेंट और समाज की सोच के कारण उन्होंने अपनी बेटियों को पीछे खींच लिया। और आज उनके पेरेंट्स जो है वो पछता रहे हैं कि अगर हमने समाज की और लोगों की नहीं सुनी होती तो आज हमारी बेटियां भी यहाँ पे होती और देश का नाम रोशन कर रही। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा काम नहीं करें ताकि आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि पछताता के बाद कुछ नहीं रहता। जो करना है जी जान लगा के करना है। पछताता के लिए हमें कोई चीज छोड़नी नहीं है। जितना मन करता है उतना आप करिए, उसके अंदर जान झोंक दीजिए। कुछ भी करना है हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी दिखाइए। नामुमकिन नाम की कोई भी चीज नहीं है। अगर आपने कुछ करने की ठान ली तो आप जरूर उसको पाके रहेंगे और तभी पा सकते हैं। आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और खुद पे भरोसा होना चाहिए कि ये काम मैं कर सकती हूँ, और तभी आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो मेरा अंत में सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को भी सपोर्ट करें और खुद भी आगे बढ़े, क्योंकि हम सिर्फ खुले तोके तक सीमित नहीं है, खुले तोके से आगे निकल चुकी हैं। चाहे हमारे देश की, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले ओलंपिक में, अब 2021 में आए ओलंपिक, लेकिन पिछले ओलंपिक के अंदर हमारे देश की लाज बचाई थी तो वो दो लड़कियों ने बचाई थी, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। उन्होंने ही मेडल जीता था हमारे देश के लिए और वो देश के लिए मेडल जीत के लिए गए। तो चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमें अपनी भागीदारी दिखानी है, हमें जागरूक होना है, अपने हकों के लिए लड़ना है। जब तक हम खुद नहीं खड़े होंगे कोई आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए अपना सपोर्ट, अपनी ताकत हमें खुद बनने पड़ेगी और खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी लोग आपके पीछे आएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे और हम आपके प्यार आशीर्वाद से ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहे। और मैं बधाई देना चाहूंगी AWPL की पूरी टीम का, और ओनर उनके हैं संजीव जी, उनको भी बधाई देना चाहूंगी स्पेशली, क्योंकि उन्होंने आप लोगों को इतना सपोर्ट दिया, इतना मौका दिया है एक काम करने का। कहते हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं, लेकिन हमारे घर और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी दशा सुधारने के लिए पुरुषों की और महिलाओं की दोनों की जिम्मेदारी अहम है। तो हमें किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलना चाहिए। और आप सब लोगों का अगेन धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों को बधाई देती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। Once again, since we have Babita Ma'am here, by his
सारी वुमेन यहाँ पर मौजूद हैं, तो लेट अस ऑल विश दिस स्पेशल वुमेन अ हैप्पी वुमेन्स डे। और एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां हो जाए फॉर नैनलिन मिस बबीता फोगाट एवरीबॉडी। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, एवरीवन रुकनी नहीं चाहिए। ऑल टुगेदर मौजूद है हमारी इंडियन फीमेल रेसलर। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस बबीता फोगाट एवरीबॉडी। और आइए, क्योंकि मैम हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है, तो अब मैम को भी AWPL से रूबरू कराते हैं और उनको भी अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। एंड डू द सेम, आई एम गोना कॉल अपॉन द मैन हिमसेल्फ। आइए बुलाते हैं मंच पर आप सभी की तालियों के साथ हमारी कंपनी के MD, हमारे CEO सर। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, जोरदार तालियां हो जाए। एंड लेट्स ऑल पुट योर हैंड्स टुगेदर, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग नानते मिस्टर संजीव कुमार एवरीबॉडी। Thank you so much. आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। हिंदुस्तान की नारी शक्ति मात्र शक्ति को संजीव कुमार का नमस्कार। प्लीज बैठ जाइए। तभी तो मैं कहता हूं आदमी होते तो बैठ जाते, थक जाते। आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज मुझे इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर SLPS परिवार की नारी शक्ति से मिलने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, नहीं बहनों, निकल जाता है आदत होती है। तो नारी शक्ति सम्मान का प्रतीक है, पहचान का प्रतीक है, नारी जगत जननी है। नारी को अगर कोई पहचान ले, नारी को अगर कोई जान ले, जैसे कि अभी मिसेस बबीता फोगाट जी ने बताया कि उनके पिता ने पहचाना कि मेरी बेटियां क्या कर सकती है, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा भी, पिक्चर भी हमने देखी है कि बेटियां बेटों से भी बड़ा काम कर सकती हैं, और वो इनके परिवार ने करके दिखाया। इंस्पिरेशन है मैडम आप लोग, आपका परिवार हिंदुस्तान के हर घर के लिए, क्योंकि बेटी मुझे भी है, हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन परिवार है। वो इंस्पिरेशन हमने 3-4 बार फिल्म देखी, और रियली मैं बताऊं, मैं फिल्म में रोया हूं, कई बार रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, कई बार रोया उस फिल्म को देखकर। क्योंकि ये बात मुझे समझ में हमेशा से आती है कि नारी जो करती है, जो पीड़ा सह सकती है, जो तकलीफें सह सकती है, पुरुष नहीं सह सकता। पुरुष तो बहुत जल्दी बिखर जाता है, लेकिन नारी नहीं बिखरती। किसी के घर में कितनी तकलीफें आ जाएं, आदमी कमा नहीं रहा, घर में दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, वो औरत ही होती है जो पीछे वो नारी खड़ी होकर कहती है, चिंता मत करो, जो है उसमें ही गुजारा कर लूंगी, हिम्मत मत हारो। ये नारी होती है, वो नारी होती है जो जगत जननी है, जो आज जनन हो रहा है इस दुनिया का, वो नारी है जिसने इस दुनिया को जन्म दिया है। वो नारी होती है, मेरी माँ कौन है, वो एक महिला है। मेरी बीवी कौन है, वो एक महिला है। अगर ना आज मेरी माँ होती, ना मेरी बीवी होती, तो संजीव कुमार यहां ना होता।
तो ये हमें समझना चाहिए हिंदुस्तान के समाज को कि ये पुरुष प्रधान देश नहीं है, ये दुनिया पुरुष प्रधान नहीं है, सही पूछे तो ये दुनिया नारी प्रधान है, नारी से उत्पत्ति हुई है इस संसार की। अगर नारी ना होती तो ये संसार ना होता। रियली में ये संसार नारी प्रधान है। माँ पैदा करती है हमें, माँ पालती है, माँ तकलीफें सहती है, इतनी त्याग करती है वो माँ करती है। तो दोस्तों बहनों, आज ये फैसला करके हमें यहां से जाना है कि हमें अपने आप को पहचानना है। आप लोगों के पास हमेशा से हिम्मत रही है, हमेशा से जज्बा रहा है। हर मैंने भी घर चलाया है, मेरा भी परिवार है, मुझे भी कभी बच्चे हुए थे, मेरे पास भी 5-7 हजार रुपए महीने की जिंदगी मेरे पास भी थी, 4-5 करोड़ों की है, लेकिन एक दिन थी तो मुझे पता है मुझे किसने संभाला, मुझे पता है मुझे हिम्मत किसने दी, मुझे मैं जानता हूं कि एक नारी क्या कर सकती है, एक नारी एक इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है। मेरी वाइफ थी जिसने हमेशा कहा कि तुम दुनिया जीत सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, और तुम टेंशन मत लो, परिवार मैं संभालूंगी, और अगर कहते हो तो बिजनेस भी तुम्हारे साथ संभालूंगी, पर टेंशन मत लो। तो आप लोगों को भी ये जानना है, ये समझना है कि आप क्या हो। जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, जो त्याग आप कर सकते हो, जो समर्पण आपके अंदर है, जो मेहनत आपके अंदर है। अरे आदमी 8 घंटे नौकरी करता है, ऐसे सो जाता है कान के जैसे पता नहीं क्लास जीत के आया हो। और वो जो माता, वो माँ जो होती है बच्चों की, सुबह 4 बजे उठती है, 4 बजे उठते घर का चौका भरता है, झाड़ू ये वो, फिर बच्चे तैयार करना, स्कूल भेजना, बाद में कपड़े धोना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, दोपहर का खाना बनाना, शाम का खाना बनाना, सबको खिलाना। और लोग कहते हैं कि औरतें क्या करती हैं, मैं कहता हूं जो औरतें करती हैं इंसान मर्द तो कभी कर ही नहीं सकता। ये हिम्मत एक कर्म करना, आलस ना करना, एक्टिव रहना। अगर किसी को सीखना है तो आपको नारियां सिखा सकती है, महिलाएं सिखा सकती हैं कि कैसे इंसान टूटता नहीं है, सुबह 4 बजे से उठ के रात को 10 बजे तक भी हंसते हंसते काम करती है। तो बहुत हो गया पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान बहुत हो गया। मैं भी पुरुष हूं लेकिन फर्क नहीं पड़ता, बेटी मुझे भी है, बीवी मेरी भी है, माँ मेरी भी है। हम एसएनपीएस वाले बनाएंगे इस देश को नारी प्रधान। बहुत हो गया चूल्हा चौका, बहुत हो गया पोछा लगा के फिटनेस नहीं लानी, समझे, पोछा लगा के फिटनेस नहीं लानी, जिम में जाके फिटनेस लानी है, मेहनत करके फिटनेस लानी है। तो आप लोगों ने करके दिखाया। जब वुमेन्स डे आया इंटरनेशनल तो मैंने कहा बस इस साल से शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमारी कंपनी में भी नारी शक्ति प्रधान होती जा रही है। किसी ने कहा नारियां कुछ नहीं कर सकती, आज हमारा बिजनेस कैसा है, लोगों से मिलना है, घर घर जाना है, घर घर के दरवाजे खटखटाने, वो काम आप लोगों ने करके दिखाया, डायरेक्ट सेलिंग आप लोगों ने करके दिखाई। आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि एसएनपीएस वेलनेस में 4 से 5 करोड़पति लेडीज निकल चुकी है, और आने वाले समय क्या है वो आज आगाज कर रहे हैं, आज आगाज कर रहे हैं कि क्या करेंगे एसएनपीएस की महिलाएं, क्या करेंगे एसएनपीएस की नारियां। मुझे पूरा यकीन है एक दिन 1000 महिलाएं करोड़पति बनेंगी हमारे बिजनेस में। और एक वादा करता हूं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज दिल्ली में, जिस दिन 100 डायमंड एसएनपीएस में नारियां होंगी, महिलाएं होंगी, 100 डायमंड सेलिब्रेशन संजीव सर आपके सिंगापुर में करेंगे अपने खर्चे पर, अपने खर्चे पर। मैडम नोट डाउन कर लेना, 100 डायमंड सेलिब्रेशन पुरुषों का क्या हुआ था, गोवा में हुआ था, नारियों का होगा सिंगापुर में। सारा खर्चा मेरा, आना जाना सब मेरा। तुम अब मुझे हिम्मत दो, सुभाष चंद्र बोस देख कहते थे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे हिम्मत दो मैं तुम्हें हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में पहचान दिलाऊंगा। हिम्मत दो, हिम्मत
और वो हिम्मत जो तुम लोगों से मुझे मिलती है वो कहीं से नहीं मिलती, क्योंकि आज अगर कोई ईमानदार होती है, वफादार होती है, तो नारी होती है। आदमी बहुत हरामी होते हैं, उनमें मैं भी एक हूं। एक बार क्या हुआ, तो मैं जब भी बाजार जाता अपनी बीवी के साथ तो कोई भी अच्छी लड़की दिखती तो मैं देखने लग जाता था। तो आदमी तो होता ही है, उसकी आंखें बहुत ज्यादा घूमती है। तो मेरी वाइफ सब नोट सब करती है, जानती तो सब है, बोलती नहीं। फिर एक दिन बोली, भाई एक बात बताओ, जब भी तुम बाजार जाते हो कोई भी अच्छी लड़की मिले तो ऐसे आंख लगा के देखते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ही लड़कियां अच्छी लगती है? हमें भी मर्द अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम्हें और हमें फर्क इतना होता है कि हम अपने परिवार की इज्जत, सम्मान, तुम्हारा मान, तुम्हारी पहचान हम खुद पे कंट्रोल रख सकती है, तुम लोग अपने पे कंट्रोल नहीं रख सकते। ये नारी की ताकत है, ये समर्पण होता है लोगों का, इसको पहचानना है। आज हमारे मोदी जी ने भी नारियों को बहुत प्रोत्साहन दिया है। आत्मनिर्भर भारत, सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर भारत अगर किसी इंडस्ट्री में बनेगा, अगर आत्मनिर्भर कोई इंडस्ट्री बनाएगी हिंदुस्तान की महिलाओं को, पुरुषों को, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कौन पूछता था हमें, जब तक हम लोग इस इंडस्ट्री में नहीं आए थे, कौन पूछता था, कौन पूछता था टैलेंट चाहिए, सिंगर बनना है टैलेंट, एक्टर बनना है टैलेंट, सिंगर बनना है, डांसर बनना है टैलेंट, रेसलर बनना है टैलेंट, बॉक्सर बनना है टैलेंट। अगर किसी नारी के अंदर टैलेंट नहीं है उसे कोई पूछता ही नहीं था, उसको तो अबला नारी का नाम दिया गया है, अबला नारी। हमने नारी को अबला से मजबूत नारी बना के दिखाया है, मजबूत नारी, सम्मानीय नारी, प्रगतिशील नारी, ये आपको इस बिजनेस में आगे मिला। किसी ने नहीं पूछा आपको, लेकिन इस इंडस्ट्री ने पूछा। तो इसलिए हमें इस इंडस्ट्री की पूजा करनी चाहिए, हमें इस इंडस्ट्री के प्रति अपना समर्पण रखना चाहिए, एक हमारे अंदर एक आत्मीयता से हम यहां पर होने चाहिए, क्योंकि कोई हमें नहीं पूछता अगर ये इंडस्ट्री ना होती तो। और मैं जो भी मुझे सुने, बाद में सुने, अभी सुने, मैं उन पुरुषों को एक मैसेज देना चाहता हूं जो ये कहते हैं मेरी बीवी घर से बाहर क्यों है, रात को लेट क्यों आई है, फलाना ढिमका। अरे भाई, एक वो था, एक हरियाणा में ब्याह हो रहा था, शादी, तो एक पंडित था, तो पांच छह पोटी पोत्र लेके जाता था, तब जाके फेरे पूरे करता था, बड़ा ज्ञानी पंडित था। तो भाई उसने मंत्र शुरू किए, शादी होने लगी, तो शादी जो है तीन फेरे में खत्म कर दी उसने। तो वहां जितने भी लोग बैठे थे, गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, समझदार, बोला रे पंडित जी तू तो बहुत मंत्र जानना है, फिर तीन फेरे में तू खत्म कर दी, सात फेरे की शादी होती है। बोला भाई सुन, टिकेगी तो तीन में टिक जाएगी, ना पूरी रात चक्कर लटाता रहे। तो भाई ये मैसेज उन लोगों के लिए है, उन माताओं के लिए, उन पिताओं के लिए, उन पतियों के लिए जो कहते हैं मेरी बीवी घर से बाहर जाएगी तो पता नहीं बिगड़ जाएगी, भाई बिगड़ेगी तो घर रह के बिगड़ देगी। तो इन्हें फ्रीडम दो, इन्हें भगवान ने जन्म दिया है, कहते हैं परमात्मा ने जिसको भी जन्म दिया है जीने के लिए दिया है, हमारा किसी की आजादी छीनने का ना किसी पति को ना किसी पिता को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जन्म उसने दिया है हमें अपना जीवन जीने के लिए, और हम अपना जीवन जी के जाएंगे, मर्जी का जीवन जी के जाएंगे, हम गुलामों की बंदिशों में नहीं फंसेंगे, हम जंजीरों में नहीं है, भेड़ियों में नहीं है। और मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, पतियों से, पिताओं से, कि इनको फ्रीडम दो, ये बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत कुछ किया है, आज थोड़ा मॉडर्नाइज आया है, चीजें होने लगी है, माँ बाप अपनी बेटियों की बात सुनने लगे हैं, उन्हें फ्रीडम तो उन बेटियों ने करके दिखाया है, जहाज उड़ा के दिखाया है, स्पेस में जाके दिखाया है, रेसलिंग में गोल्ड मेडल ला के दिखाया है, ओलंपिक जैसे भी मैडम बता रही थी कि हिंदुस्तान में 144 करोड़ लोग हैं, 75 करोड़ पुरुष थे, कहां गए जब ओलंपिक हो रहे थे, दो महिलाएं मेडल ला के दी, उन्हें फ्रीडम दी गई थी, उन्हें हिम्मत दी गई थी, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया गया था, उनके साथ खड़ा हुआ गया था, तब जाके ये लोग बनते हैं। ये नारियां, ये महिलाएं तो
तुम्हें कुछ भी बना सकती है, हर पिता को हर पति को सम्मान्य बना सकती है। उसे गौरव महसूस होगा कि उसकी पत्नी ने उसे कहां पहुंचा दिया, उसकी बेटी ने उसे कहां पहुंचा दिया। बस शर्त है वो फ्रीडम दे, दिल से उनके साथ डटे खड़ा हो कि तू जो चाहती है कर, मैं तेरे पीछे करूं। तो अगर किसी का पति ना माने तो मेरे पास ले आना, प्यार से मानेगा नहीं तो फिर मुझे मनाना आता है। तो ये क्यों काम कर रही है, ये किसके लिए काम करती है? अरे सर मैंने भी अपने जीवन के कई साल निकाल दिए, मैं इतनी कुर्बानी अपने बच्चों के लिए नहीं दे सकता जितनी उसकी मां देती है। ये लोग 100% परिवार के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। महिलाएं का जितना डेडिकेशन परिवार के प्रति है पुरुषों का नहीं होता। वो बाजार में जाके चार पैक शराब पी के आ जाएगा, बच्चों के कपड़े नहीं लाएगा, लेकिन एक महिला तन पे कपड़ा नहीं पहनेगी, पहले बच्चों को कपड़ा पहनाएगी। ये होता है, ये मैंने देखा है, महसूस किया है। तो इनको रोकना नहीं बनता, इनको हिम्मत देना बनता है, इनके साथ खड़ा होना बनता है, इनकी तकलीफों में इनका साथ देना बनता है। ये जो चाहती है वो प्लेटफॉर्म देना बनता है, और जो इनकी चाहत है उसे पूरा करवाने में किसी पिता का या पति का जितना मर्जी पैसा लगे पसीना लगे उसे लगाना चाहिए, क्योंकि यही है जो परिवार के लिए करती है। तो आने वाले समय में नारियां इस देश की सम्मान होंगी, पहचान होंगी। और एसलीपीएस वेलनेस में सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई कहेगा किसी संस्था में वुमेन्स करोड़पति मिलियनर बिलियनर कहां पर है तो एसलीपीएस वेलनेस का नाम है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, आप लोगों को कोई तकलीफ हो, कभी कोई परेशानी हो, कोई भी मटर कसती हो, कोई लीडर साला ब्लैकमेल करता है, कुछ भी बोलता है, कोई दिक्कत हो मुझे बताना। आपको शायद पता नहीं होगा कि ये कंपनी कैरेक्टर से भरे हुए लोगों की है। जिसके पास कैरेक्टर है वही लीडर है। आप लोगों के हर सुख में दुख में मैं हमेशा साथी रहूंगा। और बबीता मैडम आपका तो कितना मैं धन्यवाद करूं, मैंने कहा मैं आपकी फिल्म देख के 2-3 बार रोया हूं। अभी भी आप आए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि गूस बम्स ऐसे नहीं आ जाते, गूस बम्स यहां से आते, यहां से नहीं आते कि भाई क्या किया आप लोगों ने। तो जैसे बबीता मैडम ने रेसलिंग में दुनिया में नाम चमकाया है, हम डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया में अपना नाम चमकाया। फ्रीडम लाएंगे बच्चों के लिए, मनी फ्रीडम लाएंगे, बच्चों की आंखों में तकलीफें नहीं देखेंगे, क्योंकि तुम हमेशा से कर्मशील थी, कर्मठ थी। बसते फर्क इतना था वो कर्मशीलता घर में दिखाई जा रही थी, घर के कामों में दिखाई जा रही थी, अब ये कर्मठता ये कर्मशीलता बाजार में जाके दिखानी है। ना तुम पहले हारी थी, ना आज हारी हो, और ना ही नारियां कभी हारती। तो सिंगापुर के लिए तैयार हो, तैयार हो। अभी गोवा कितने लोग आ रहे हैं इसमें, एक बार तालियां होनी चाहिए गोवा अच्छी वर्ष के लिए। आपसे ज्यादा जिंदगी को कोई नहीं समझ सकता, आपसे ज्यादा सैक्रिफाइस कोई नहीं कर सकता। आप में जो है मैं कह रहा हूं वो किसी में नहीं, ये मैंने महसूस किया है। आपको बस ये समझना है को जो जीवन आपने जिया है वो आपके बच्चे ना जिए, बस ये समझना है, इसके सिवा कुछ नहीं। आपको ये समझना है जो स्ट्रगल आपने की है वो आपके बच्चे ना करें। आपको ये समझना है कि जो आज आपको मालूम है आजकल ये बेटियों की शादी कैसे होती है, बजट पे शादी होती है, बजट पे। आप सब अपने बच्चों से बेटियों से बहुत प्यार करते होंगे, अरे ये सुनो मैं भी करता हूं आप भी करते होंगे। हर माँ तो करती करती है, पिता हरामी हो सकता है, माता हरामी नहीं होती। ये 99.9% सत्य है, हम सब प्यार करते हैं, लेकिन प्यार क्या है, क्या है सच्चा प्यार? सच्चा प्यार उनकी कामयाबी है, तरक्की है, सक्सेस है। सच्चा प्यार बेटा आई लव यू, बिटिया आई लव यू, ये लव यू सब यू में कुछ नहीं रखता। असली मोहब्बत है कि हम उन्हें खूबसूरत जिंदगी दें। आज आपको मालूम है जब गांव में एक बाप अपनी बिटिया की शादी करता है तो बहुत प्यार करता है, तो बजट के अनुसार लड़का ढूंढता है, फौजी बीएसएफ वाला, सीआरपीएफ वाला, मास्टर टीचर, कभी अपनी मर्जी के अनुसार लड़का नहीं ढूंढता। और वो बिटिया
जिसे वो बहुत प्यार करता है, एक बजट के दायरे में फंसकर बजट की जिंदगी जीती है। वो बिटिया जो बहुत कुछ कर सकती थी वो जाके गोबर उठाती है, क्योंकि उसके शादी में मात्र 5 लाख का खर्चा कर सकता था उसका बाप, 10 लाख का खर्चा कर सकता था उसका बाप, 15 लाख का खर्चा कर, जितना बजट ऊपर होता जाता है बिटिया की आने वाली जिंदगी उतनी खूबसूरत होती जाती है। और अगर उसी बिटिया की शादी में करोड़ रुपए लगते तो किसी राजा परिवार में जाती, पूरी जिंदगी ऐश करती। हमारे बच्चों की जिंदगियां उनके ऊपर कम, हमारे ऊपर ज्यादा डिपेंड करती। ये बात हमेशा दिमाग में रख के घर से निकला करो। हम खुद के लिए नहीं निकल रहे, हम अपनों के लिए निकल रहे हैं। और जब इंसान अपनों के लिए मेहनत करने निकलता है तो जज्बा कुछ और होता है, जोश कुछ और होता है, जुनून कुछ और होता है। अपने लिए मेहनत करके इंसान कभी बड़ा नहीं बना, अपनों के लिए मेहनत करके वो कुछ भी कर सकता है। वो जो फौजी आदमी बॉर्डर पे रह के ड्यूटी देता है, गोली खा के मरने को तैयार है, उसके पीछे एक ही कारण है, भारत माता एक कारण है, दूसरा उसका परिवार कारण है। नहीं तो कोई अपनी छाती गोली के सामने नहीं अड़ाता, अपने परिवार के लिए लोग मर जाते हैं। अरे काम करना तो क्या है, काम तो ऐसे हो जाता है, लोग तो मरने को तैयार होते परिवार के लिए। ये परिवार के प्यार की ताकत होती है। जो दुबई 2-2 साल रहते हैं, 3-3 साल रहते हैं, 4-4 साल रहते हैं अपने परिवार के लिए, मजदूरी करते हैं अपने परिवार के लिए। जिस दिन आपने अपने परिवार के लिए काम करने का मन बना लिया, अपने बच्चों को खुशियां देने का मन बना लिया, ना कोई नेगेटिविटी आएगी, ना कभी कोई डिप्रेशन आएगा, ना आपका जज्बा कम होगा, ना आपका जुनून कम होगा। अरे रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव चलते रहेंगे, जिंदगी है, उतार चढ़ाव चलते हैं। रोड में अगर मोड़ नहीं होगा तो कोई रोड नहीं बन सकती, सीधी रोड नहीं होती है, ऐसे चलेगा, लाइफ है, चलेगा। कभी ऐसे बिजली जाएगा, कभी नहीं जाएगा, जाएगा आएगा, लेकिन तुम्हें अपनी स्पीड लगातार चलते रहना है। अरे रेडी तैयार है, 100 डायमंड आएंगे, सिंगापुर जाएंगे, फंक्शन मनाएंगे, पार्टी मनाएंगे। तो आज मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं। अच्छा हाँ, एक बात पता नहीं मैं भूल गया, आप लोगों में सारी खूबियां हैं, एक बहुत तगड़ी कमी मुझे बतानी पड़ेगी, जलन। जल्दी बहुत है, इसका चेक बन गया है बड़ा, मेरा नहीं बना। इसकी साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, मेरी नहीं लग रही है। ये जो महिलाओं के अंदर ये जो नेचर है ना, ये बड़ा खतरनाक। इस नेचर से आपकी टीम की डेवलपमेंट रुक जाती है, क्योंकि अगर वो मारुति ले आई, एक्टो ले आई या ओडी ले आई, भाई वो तो ओडी ले आई। किसी का बच्चा अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे स्कूल में चला गया, तो एक उसने तो अपना बच्चा तो स्कूल में डाल दिया। ये जो आपकी कंपटीशन की भावना है ना, इसको थोड़ा कम करो। पर्सनल कंपटीशन नारी बहुत करती है, महिलाएं प्रोफेशनल कंपटीशन करें ना तो दुनिया में अपनी तकदीर लिख देंगे। पर्सनल बहुत करती है, कोई कह रही है वो बहुत सुंदर लगे, क्या सुंदर लगे, उसे लिपस्टिक देखी नीचे लगे। एप्रिसिएशन तो है ही नहीं, एप्रिसिएशन तो है ही नहीं, हमेशा डिग्रेड करती है किसी को भी। तो ये जो आपका ये जो नेचर है ना, मुझे भी पसीना आ रहा है। ये जो आपका नेचर है ना, ये ईर्ष्या वाला, जलन वाला, एक दूसरे से चिढ़ने वाला, जिस दिन आप लोगों ने ये खत्म कर दिया ना, दुनिया में अपनी पहचान बना लोगे। दुनिया में बी प्रोफेशनल। आप प्रोफेशनल बनिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल वुमेन बनिए, प्रोफेशनल कल्चर अडॉप्ट कीजिए। आप पर्सनल चीजों से दूर हट जाइए, पर्सनल मत करिए, पर्सनल चीजें एक प्रोफेशनल वुमेन नहीं करती है। प्रोफेशनल महिला कभी पर्सनल चीजों को नहीं देखती, तो वो चीज आपको करनी है, क्योंकि ये मैं भी देखता हूं। अगर मैंने अपनी वाइफ को कह दिया वो देख थोड़ी सुंदर, कहां सुंदर है, नाक देगी, एक सेकंड में उसकी नाक का एक्सरे कर लेती है, चाहे वो 100 मीटर दूरी पे ना हो। मैंने कहा यार तुम लोग ना कभी जिंदगी में किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। चलो वो तो इसलिए मैंने घरेलू रखी हुई है, बिजनेस के लायक ही नहीं। तो इसलिए
ये आपकी जो कमी है, जिस दिन ये खत्म हो जाएगी तो आपकी टीमें अच्छी डेवलप होगी, क्योंकि आपकी टीम में लेडीज ज्यादा आती है। आपकी ताकत क्या है, किसी से भी बात कर लेना। आपकी कमजोरी क्या है, किसी से भी चल लेना। तो ये ताकत है ना, इसे पहचानो। आदमी बात करते हुए हिचकता है। अगर किसी दुकान में चार आदमी कोई सामान लेने गया तो तीन आदमी जो ले रहे उनसे बात नहीं करेगा, लेकिन अगर एक लेडीज, तीन लेडीज सामान ले रही हो, लेडीज जाएगी तो मुझे, बहन जी तुम कहां से, कौन सी साड़ी ले रही हो, एक सेकंड में कम्युनिकेशन चालू। और हमारे धंधे में क्या चाहिए, कम्युनिकेशन, कन्वर्जन। तो जो बिजनेस आप लोग कर सकते हैं, जो बिजनेस आप लोग निकाल सकते हैं, जो प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, वो आदमी नहीं कर सकता। बस खुद को पहचानो, खुद से बात करो कि जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पावर है कम्युनिकेशन पावर। जो व्यक्ति या औरत किसी को कम्युनिकेट कर दे जनता को, वो जनता जीत सकता है। जो लोगों से बात कर लेगा वो लोगों का दिल जीत लेगा, लोगों का दिमाग जीत लेगा। तो बात बतूनी तो फिर आपसे आपको भी पता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एसटीपीएस परिवार की महिलाएं प्रोफेशनल सिस्टम अडॉप्ट करेंगी, प्रोफेशनल कल्चर अडॉप्ट करेंगी। अच्छा एक बात बताओ, दिल से सच सच बताना, झूठ मत बोलना, वो धंधे वाली बात नहीं, ईमानदारी से बताओ, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं? Yes! लोग ठीक होते हैं? Yes! लोग दुआएं देते हैं? Yes! या बद्दुआ देते हैं? दुआएं। इससे अच्छा क्या काम हो सकता है? किसी की जिंदगी बचाना, इससे अच्छा क्या काम हो सकता है? और आप लोग जितने प्रोडक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हो, उतना इंसान आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग रियल बात करते हो। आज असली में इस परिवार के बिजनेस का नेचर तो देखो, लोगों की जिंदगी बचाना और लोगों की जिंदगी बनाना, ऐसा धंधा इस दुनिया में किसने बनाया? ये इस इंडस्ट्री ने बनाया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जहां लोगों की जिंदगी भी बचाते हैं और लोगों की जिंदगी भी बनाते हैं। और मैं तो कहूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है किसी अनाथ आश्रम में दान देना नहीं, मंदिर में दान देना नहीं, गरीबों को खाना खिलाना नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है कि दुनिया की भीड़ से नाकामयाब आदमी को उठाओ और उसे कामयाबी तक पहुंचाओ। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। और कहीं ना कहीं इस मॉडल की वजह से आप और हम इस धर्म के साथ जुड़ चुके हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम धर्म का काम कर रहे हैं। हमें पता है, यहां पर किसान का बेटा, अरे यहाँ आज कंपनी में सोचे ज्यादा करोड़पति है, जगुआर है, मल्टीज है, ये कौन से और से किसके पास है, ये कौन है? ये हमारी टाटा बिरला के बेटे नहीं है, करोड़पति अरबपतियों के बेटे नहीं है, किसान के बेटे हैं, ये नौकरी वाले के बेटे हैं, मिडिल क्लास के बेटे हैं। अगर मिडिल क्लास को किसी ने अपर क्लास में जाने का मौका दिया है ना मैडम, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इसकी पूजा करनी चाहिए हम लोगों को, पूजा करनी चाहिए। अगर देश में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आज हमारे देश में 1 करोड़ लोगों का चेक जाता है, हर कंपनी से अलग अलग 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, एक्टिव 1 करोड़ लोग, मजाक नहीं है, गवर्नमेंट नहीं दे सकती। और मोदी जी भी गलत नहीं कहते, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, लोन माफ करो, कर्जा माफ करो, ये सब सारे निकम्मे लोग हैं जो लोन और कर्जा माफ कराते हैं। अंडरस्टैंड, लोन कर्जे माफ की कोई जरूरत नहीं है, कमाओ, चला बैंक में अकाउंट इतना भर दो कि कर्जे की जरूरत ही ना हो। आत्मनिर्भर करना चाहिए, गवर्नमेंट कहां से नौकरी देगी? 12 लाख 15 लाख खोल से ज्यादा 50 लाख खोल थोड़ी रख लेगी, कहां से देगी? एक सिस्टम है, किसी देश का एक सिस्टम है, उस सिस्टम पर ब्रेक थोड़ी क्या जाएगा कि भैया नौकरी देनी है, चुनाव जीतना है, कहां से दे देंगे नौकरी? और फिर कहते हो झूठे वादे, कोई झूठा वादा नहीं है, हमने दी है नौकरी, आज हमारी कंपनी में 10 लाख लोग काम करते हैं, आत्मनिर्भर, प्राइवेटाइजेशन, क्या दिक्कत है? आप लोग देते हो नौकरी दुनिया भर के लोगों को। तो हम सबको सेल्फ मेड बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और AWPL क्वीन बनना है। ताज आप सबके सिर पे चाहिए, अभी कुछ ही सिरों पे ताज है, अगले वुमेन्स डे पे सब ताज के साथ चाहिए। भाई तैयार है? और आने वाले समय में मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको दे रहा हूं, मैं भी एक प्रोडक्ट आपके सामने लॉन्च करने जा रहा हूं, अफोर्डेबल रेंज, क्योंकि आप लोग किसी भी घर को जाते हैं तो घर के प्रोडक्ट भी आने वाले हैं। अप्रैल महीने में पूरी कंपनी की टॉयलेटरी रेंज आ रही है, वर्ल्ड क्लास, और मार्केट के रेट से सस्ते प्रोडक्ट लाऊंगा और क्वालिटी मार्केट से डबल लाऊंगा, अप्रैल लास्ट तक आ जाएंगे। और स्किन की रेंज थी ना आपकी, स्किन की रेंज इस्तेमाल करते हो खुद? नहीं, खुद तो फेयर एंड लवली लगाऊंगी। हाँ, सैफ्रॉन जेल लगाते हो? कुकुम्बर क्रीम लगाते हो?
है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल एसलीपीएस ऑथेंटिक कंपनी है। आयुर्वेद के साथ गद्दारी नहीं करती, क्योंकि आयुर्वेद भगवान ने बनाया है। फल फ्रूट पौधे आयुर्वेद इंसान ये भगवान ने बनाया है। अगर इसके साथ गद्दारी होगी तो ये रिजल्ट नहीं देगा। ये रिजल्ट इसलिए आते हैं कि आपके संजीव सर प्रोडक्ट बनाते समय गद्दारी नहीं करते, बेस्ट प्रोडक्ट बनाते। तो स्किन की रेंज भी आगे आगे बढ़ेगी, लेकिन जब तो बढ़ाओ जब तुम लोग अपने चेहरे पे लगाओ, तुम तो फेल लग के पोत के घूम रहे हो। सैफ्रॉन जेल लगाओगे? लगाओगे? कुकुम्बर क्रीम लगाओगे? हमारे जैसा स्क्रब जाके बाजार में लाके दिखा दो मुझे। हर स्क्रब स्किन को ड्राई करता है, हमारा स्क्रब ड्राई नहीं करता। छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। तो इसलिए गोल्डन मिल्क किस किसके घर में बच्चे पी रहे हैं? शुरू कर दिया, दूध नहीं पिएगा इंडिया, गोल्डन मिल्क पिएगा इंडिया। गोल्डन मिल्क अपने प्रोडक्ट जितने आप खुद यूज करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा है बुरा है। अगर बुरा है तो मुझे फोन करो, मेल डालो कंपनी में कि प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है, मैं नया प्रोडक्ट बना के दूंगा। लेकिन आप लोग यूज करोगे तभी तो रिकमेंड करोगे। तो इसलिए सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे शरीर का क्या है पता किसी को? सबसे बड़ा ऑर्गन इस शरीर का क्या है? स्किन, 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 स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है। सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे शरीर का स्किन है। तो स्किन में आप धीरे धीरे और प्रोडक्ट बढ़ते चले जाएंगे, बेस्ट से बेस्ट टॉप से टॉप प्रोडक्ट आएगा। ऐश्वर्या राय को दे देना, वो भी कहेगी मजा आ गया। तो आज मैंने आपको एसलीपीएस वेलनेस के स्किन की रेंज की एक एक्सक्लूसिव पैकिंग दी है। पुरानी पैकिंग आउट, नई पैकिंग इन। देखना चाहोगे पैकिंग कैसे होती है? एसलीपीएस ब्रांड है? ये आपका फेस स्क्रब, ये आपका हेयर ऑयल, ये आपका शैंपू, ये हेयर शाइन ऑइंटमेंट, ये फेस वॉश इसमें आएगा। कैसी लगी? अब तो बेच लो, तो बेच लो। देखिए जितने भी प्रोडक्ट आपसे संबंधित है, आप उनकी ज्यादा सेल करोगे तो ज्यादा मार्केट को ग्रैब कर पाओगे। जितने भी प्रोडक्ट आपसे संबंधित है उन्हें आप यूज करोगे, सेल करोगे तो ज्यादा मार्केट को ग्रैब कर पाओगे। दूसरा, कंपनी ने आपके लिए एक फेसबुक का ग्रुप बनाया है जो ओनली फॉर ऑफिशियल हमारी कंपनी का एसलीपीएस AWPL क्विज ग्रुप है। हाँ जी संदीप जी, जी जी AWPL क्विज ग्रुप है, उसमें आप लोगों को ऐड होना है। आप हमने एक मिशन बना देना है, आपके लिए स्पेशल ग्रुप बनाया है, उसमें आप सब अपनी अपनी अचीवमेंट डाल सकते हैं। और टारगेट अगले वाला कल आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है? लेकिन अगला टारगेट सबने बीट करना है, वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे जो हम इकट्ठे हुए हैं इसकी इज्जत रखनी है। रखोगे? रखोगे? तैयार हो दुनिया जीतने के लिए? तैयार हो? I wish you all the best. God bless you. आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दोबारा इंटरनेशनल वुमेन डे की शुभकामनाएं। भगवान खुदा अल्लाह बहुत चस्पा दे, आप ना कभी थको, ना कभी रुको, ना कभी टिको, जाओ दुनिया जीतते जाओ।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Can you all please put a hand together one more time for Mr. Sanjeev Kumar, everybody? और करते हुए, so I request you all कि एक बार अपनी तालियों की गूंज एक बार फिर से उन तक पहुंचा दीजिए। दोनों हाथों पर करके जोरदार तालियां हो जाए। बनाना करते हैं आरेंजिंग टीम में गैस का खुजिया विकास मिस बबीता फोगाट एवरीबॉडी दोनों हाथों पर जोरदार तालियां और गिव इट अप फॉर आवर एमडीआर सीईओ बनाना करते हैं मिस संजीव कुमार एवरीवन। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्लियर दी सेल टू पैसेज। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनको स्पेस दे दीजिए जाने के लिए। और मीनवाइल मैं अपने सभी ब्लू डायमंड्स और हमारे सभी डायमंड्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं मंच पर आकर ज्वाइन करें। आई रिक्वेस्ट मिस पदम कंवर जी, मिस रत्नमाला जी, मिस ऐश्वर्या सिंह जी एंड मिस राजविंदर कौर जी टू प्लीज ज्वाइन अस हियर।